उधर जम्मू के मेडिकल कॉलेज में आर पंडता के नाम से मंसूब नर्सिंग होम को मनहदम करने के खिलाफ आज ऐत भी हुआ और एहतियों ने बताया कि आर पंडता ने जम्मू के लोगों के लिए बहुत काम किया और उनके नाम से मंसूब इस नर्सिंग होम की निधामी उनकी तजलील हो सकती है मुजाहरीन ने सरकार से नर्सिंग होम की इन्हदामी कार्रवाई रोकने की मांग की है और याद रहे आर्यन नर्सिंग होम की इमारत को मेडिकल कॉलेज में इजाफी एमरजेंसी यूनिट बनाने के लिए मुनहिदम किया जा रहा है इधर नशे के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस सख्त रवैया अपनाए हुए

और एक उब्लिक सत्रह जेर दफा आठ उब्लिक ट्वेंटी वन एन डी ए पी एस एन डी पी एस एक्ट के तहत केस दर्ज करके तहकीक शुरू की है और नाजरीन हम आपको ये भी बताते चलें कि तालीम के वजीर नईम अख्तर इंद्राबी का कलमदान आज बाद दोपहर तब्दील हो गया है लेकिन महकमे की हालत ज़ार आप जानते हैं कि हालत जार थोड़ी सी खराब ही नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है महकमा तालीम की तबाहाली की कहानियाँ थमने का नाम नहीं दे रही हैं ऊंचे मकान फीके पकवान के मुसादक तालीम के महकमे का हाल बयान कर रहा है राजौरी ज़िले के दानश आबाद कॉलोनी का प्राइमरी स्कूल स्कूल का सिर्फ एक ही खस्ता हाल में कमरा है जहां चौंतीस बच्चे तालीम हासिल करते हैं और यहां मिड डे मील्स भी इसी एक कमरे में पकाए जाते हैं और सरकार का ये कहना दावे करना कि तालीम के मैदान में हम बड़ी बात करेंगे शायद यहाँ पर सच साबित नहीं

तालीम के मैदान की ज़िम्मेदारी अब बुखारी पर आई है और हम जानते हैं कि बुखारी काम करना जानते हैं आर एंड बी में एक नई मंजिल उनने दी थी और अब इस महकमे को तालीम में एक नई दिशा की ज़रूरत है और उम्मीद है कि सईद मोहम्मद अलताफ़ बुखारी तालीम की डगर को पटरी पर लाकर एक नया इनकलाब रियासत में खड़ा करेंगे क्योंकि हम बराबर उन्हें निशानदेही करते रहेंगे कि रियासत में ताली निज़ाम पर कहाँ ज़रूरत है और कहाँ ज़रूरत नहीं है फिलहाल राजौरी के स्कूल का यह हाल और इस हाल में सरकार ने सरकार को जरूरी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा